हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं। दोस्तों मैं आपको करेक्शन से रिलेटेड पूरी चीज़ें मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप सबको पता है कि करेक्शन जो है खुल चुका है। अब करेक्शन जो है आप कर सकते हैं, और करेक्शन करने में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। कौन सी बातें क्या हैं, इसके लिए मैं वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें, कंप्लीट देखें तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहली चीज़ की दोस्तों क्या नाम है, आपको अपने स्टेटस को ध्यान से चेक करना होगा। स्टेटस के लिए आपको ये फ्रेश है कि रिन्यूअल है। तो अगर आप फ्रेश या रिन्यूअल कोई भी है तो आप जो है आसानी के साथ इसको ओपन करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और क्या नाम है ईयर, डेट ऑफ बर्थ और फिर पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा डाल के इंसर्ट करना होगा। तो मैं डाल के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये देख सकते हैं कि फ्रेश पर आ गया हूँ, सब चीज़ें मैंने इंसर्ट कर दी हैं, फ्रेश पर हूँ और सबमिट कर दिया। जैसे मैंने इसको सबमिट किया, सबमिट करने के बाद अब आपको सवाल यहाँ ये उठता है कि आप मोबाइल में देख रहे हैं कि आप जो है सिस्टम या लैपटॉप पे कर रहे करेक्शन, ये चीज़ का ध्यान रखो। अगर आप लैपटॉप या मोबाइल पर हैं तो मोबाइल पे यहाँ ऊपर 3 डॉट आएगा, इस 3 डॉट करके आप आवेदन पत्र को संशोधित पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप संशोधित पे क्लिक करेंगे तुरंत ही आपको संशोधित पेज पे ले जाएगा और इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेटस के साथ अब बाकी डिटेल्स आपको दे देगा। अब यहाँ पर हाई स्कूल का रोल नंबर जो है डाटाबेस में, जो क्योंकि ऑलरेडी तो आपका हाई स्कूल, अगर आप किससे पास आउट हो, आप CBSE बोर्ड है, UP है, किसे, तो इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं हो सकती। तो इसको आप छोड़ के बस फाइनल करके आप इसको जो है ले आके जमा कर दे, दैट्स इनफ। अब बात आती है कि अगर किसी का करेक्शन होता है तो क्या करेगा, वो भी मैं बताता हूँ आपको। अब दोस्तों उसके बाद मैं रिन्यूअल पे भी आपको आ गया हूँ। रिन्यूअल पे आने के बाद यहाँ पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरफेस जैसे ही मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड यहाँ इंटर करना होगा। तो अगर आप डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड आप इंटर करते हैं तो आज देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ डाल दी हैं और ये मैं रिन्यूअल पर बैठा हूँ, इस वक्त रिन्यूअल पे मैं वर्क कर रहा हूँ। तो खैर मैं इसको भी सबमिट कर देता हूँ और जैसे ही मैंने इसको सबमिट, देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे रिन्यूअल पे आ चुका हूँ। अब अगर आपको यहाँ पे 3 डॉट पर मोबाइल पर या किसी पर भी आप हो तो आपको इस पर जो है क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करना होगा, आवेदन पत्र को संशोधित करें, संशोधित पर क्लिक करिएगा तो आपको उसके बाद जो है ये सीधे फॉर्म पर आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जो करेक्शन करने के लिए खुला है, बैंक डिटेल यानी इस तरीके की करेक्शंस करने के लिए आपको एक्टिव कर देगा, फिर आप आसानी के साथ जो भी करेक्शन चाहें कर सकते हैं। अब यहाँ पे करेक्शन क्या कह रहा है फॉरवर्ड भाई, ये सिर्फ और सिर्फ जो है रिन्यूअल के बच्चों के ऊपर आया है, इसके लिए आया है। अप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाई इंस्टीट्यूशन, इनरोलमेंट, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विद द यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा, यानी आपको जो यूनिवर्सिटी के अपलोड का डाटा है उसे ये मैच नहीं होने की वजह से है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आपका करेक्शन होगा वो करेक्शन एक्टिव कर देगा। यहाँ पर जो है बता रहा है कि UDI जो है वो आपका मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। UDI का जो डाटा है वो यहाँ मैच नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये इश्यू थोड़ा सा आया है, ठीक है। मैं यहाँ जरा से इसको क्लियर कर दूँ तो थोड़ा सा आपको समझ, देख लो डाटा, देख लो तुम्हारे पास सामान भेजा तो था, ओके। हाँ, सॉरी दोस्तों, वो तो यहाँ पे देख सकते हैं कि UDI नेवर एनेबल द DBT बेनिफिशियरी, ये चीज़ है। तो आप इसको अपने बैंक को सही करा लें क्योंकि ये एक्टिव कर चुका है, जो करेक्शन आप करेंगे और ये करेक्शन आपका फाइनल होगा। अगर आपका करेक्शन यहाँ गलत हुआ तो फिर आप दोबारा करेक्शन नहीं करा सकते, ये फाइनल हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात का ध्यान ये कि आपका करेक्शन अगर है तो ही करिए, ठीक है। करेक्शन आपका अगर है तो ही करिए, करेक्शन नहीं है तो ऐसा करके आप इसको जमा करिए। और करेक्शन में आपने जो है यहाँ पर रिफंड PDF क्या दे रहा है उस चीज़ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपका ये डाटा तो सही है लेकिन UDI नेवर एनेबल फॉर DBT। तो आप इसको पहले जाके अपने बैंक से इसको कन्वर्ट कराइए, उसके बाद आसानी के साथ आप कर सकते हैं। देख सकते कि बैंक डिटेल वगैरह सारी चीज़ें एक्टिव कर दी गई हैं, तो जिसकी वजह से आपको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मार्क्स डालना है आपको, यहाँ पर सेमेस्टर पढ़ा ली, ये पढ़ा ली, तो इन दोनों को जोड़कर ही आपको इंटर करना होगा। तो यानी आप अगर पहली बात कि आप अपने फॉर्म को जो करेक्शन है सिर्फ वही करिए, दूसरा करेक्शन नहीं है तो उसको ना करिए, करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट करके फाइनल कर दीजिए। और जैसा आप जब जानते हो कि मैं ऑलरेडी आपको नंबर देता हूँ तो आप लेकर फिर मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके का। अगर आपको अपने फॉर्म को करेक्शन कराना है तो आप मुझे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके भी जो है करा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर किसी तरह कोई सवाल हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नंबर वही 9838299930 पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, मैं आपको रिप्लाई पूरी देता हूँ। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित।